أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم students ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما Welcome to Dar Erkam School, Ghori Town Campus, Phase 1, Islamabad. I am your English teacher of Class 2. Students, today our topic is sentence. We will learn that what is a sentence. A sentence is a complete thought. It contains at least one subject and one predicate. सेंटेंस हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड्स होता है जो कि एक कंप्लीट सेंस में करता है, मतलब कि वो जुमला जो हमें पूरा समझ में आ जाए, जो मुकम्मल मानी देता हो. इट कैन स्टैंड बाय इटसेल्फ एंड स्टिल मेक अ सेंस. फॉर एग्जांपल, द रिवर हैज़ क्रिएटेड मैनी मैग्निफिसेंट कैनियंस. देयर आर टू पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस. द फर्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड द अदर इज़ प्रेडिकेट. अब सब्जेक्ट हमारे पास क्या होता है? अ सब्जेक्ट इज़ द पर्सन और थिंग दैट इज़ डूइंग एन एक्शन और द पर्सन और थिंग दैट इज़ द फोकस ऑफ सेंटेंस. सब्जेक्ट हमारे पास सेंटेंस का वो पार्ट होता है जिसमें हमारे एक्शन का पता चलता है, जिसमें किसी भी जो एक्शन करने वाला होता है उसको सब्जेक्ट कहते हैं. लाइक सब्जेक्ट इज़ व्हाट और होम द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस किस बारे में है उसको सब्जेक्ट कहते हैं, ठीक है. और सेकंड पार्ट जो होता है वो प्रेडिकेट होता है. द प्रेडिकेट ऑफ द सेंटेंस इज़ द पार्ट दैट कंटेन्स द एक्शन. लाइक हम ये भी कह सकते हैं जो सेंटेंस में वर्ब वाला पार्ट होगा उसको हम प्रेडिकेट कहेंगे. द फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट जिसका फोकस ऑफ सेंटेंस है और सेकंड पार्ट इज प्रेडिकेट द वर्ब ऑफ द सेंटेंस. वी कैन ऑल्सो से दैट प्रेडिकेट इज़ द पार्ट दैट टेल्स समथिंग अबाउट सब्जेक्ट. For example, Ali is going to school. In this sentence, Ali is subject because Ali is the person that is performing the action. So, Ali is subject here and he is going to school. So, what is his action? Going to school. So, this part is called predicate. Here, Ali is subject and going to school is predicate. I hope you have understand the concept of a sentence. Jazakallah fi amanillah.